दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थी जो यहां पर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। जी हां फ्रेंड्स, अभी अभी रेलवे के अधिकारी द्वारा पुष्टि कर दी गई है, आपकी फाइनल रिजल्ट तिथि है जो दोस्तों घोषित कर दी गई है। क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता चल रहा था, कुछ का बोलना था कि 31 जनवरी को आएगी, जो कि 31 जनवरी भी पार हो गया। कुछ का बोलना था यहाँ पे मिड फरवरी में आपकी आने वाली है, लेकिन डेट फिक्स नहीं था। कुछ का बोलना था कि 13 को आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली प्रेस मीटिंग में यहाँ पे कन्फर्म कर दी गई है। रेलवे अधिकारी द्वारा यहाँ पे पुष्टि कर दी गई है कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की रिजल्ट आखिर कब तक आएगी। अब दोस्तों पीईटी के लिए भी आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो अपना जो है पीईटी जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं उसको दुगना कर दीजिए और अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए ताकि यहाँ पे फिजिकल में क्वालिफाई कर पाओ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। आपसे गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारा कुछ जो मैं बताने वाला हूँ वो समझ में आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने द इंडियन एक्सप्रेस की ऑफिशियल न्यूज पोर्टल ओपन कर रखी है और इसमें दोस्तों आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू बताऊंगा, इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए और इसमें आपको एक्चुअली मैं टाइमिंग दिखाना चाहता हूँ। RRB ग्रुप डी रिजल्ट 2018-19, नो डेट टाइम एंड वेबसाइट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी रिजल्ट विल बी अवेलेबल एट ऑल द रीजन बेस्ड ऑफिशियल वेबसाइट ऑन February 13। इसका आप लोग डेट देख लीजिए, एक बार डेट देखिए, यहाँ पे February 2, 2019 12:17 पे ये न्यूज प्रकाशित हुई है द इंडियन एक्सप्रेस पे। अब दोस्तों इसके बाद प्रेस मीटिंग रखी गई थी जो कि आपके रेलवे के चीफ एक्सिक्यूटिव हैं अंगराज मोहन, उनके साथ एक प्रेस मीटिंग रखी गई थी। अब चलिए उस पे लेके चलता हूँ उस न्यूज पेपर के, उसमें अंगराज मोहन जी ने क्या कहा रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सेम न्यूज़पेपर ओपन कर रखा है जिसमें कि आपका न्यूज अलग है और ये आपका प्रेस मीटिंग में जो अंगराज मोहन के साथ प्रेस मीटिंग हुई इंडियन एक्सप्रेस की, उस मैटर को आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसी में उन्होंने ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में भी बताया है। अब देखिए दोस्तों, ये प्रेस मीटिंग क्यों हुई, आप सभी को पता होना चाहिए कि रेलवे एलपी टेक्नीशियन का CBT2 का एग्जाम हुआ था, लेकिन कुछ जगहों पे यहाँ पे धांधली होने के कारण, आपका सर्वर प्रॉब्लम होने के कारण या फिर टेक्निकल ग्लिच के कारण या फिर मौसम की खराबी के कारण बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम देने नहीं गए हैं। अब वहां पे उनका री एग्जाम होने वाला है, दोबारा एग्जाम होने वाला है CBT2 का। इसके लिए यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, मीटिंग रखा गया था बातचीत करने के लिए कि आखिर कब तक यहां पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा सभी नोटिस को। और इसी में अंगराज मोहन जो चीफ एक्सिक्यूटिव रेलवे के हैं उन्होंने रिवील किया है डेट को कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट है जो फाइनली यानी कि ऑफिशियल तरीके से कब तक आएगी। तो यहाँ पे पढ़ने वाली ज्यादा बात नहीं है, डेट दिखाना चाहूं तो देख सकते हो 2 फरवरी और टाइमिंग देखिए 1:10 पे, वहां टाइमिंग क्या था दोस्तों 12:00 था और अभी देखिए 1:10 पे ही ये जारी कर दी गई थी प्रेस मीटिंग के बाद। अब इसमें आपको दिखाना चाहूं तो यहां से आप लोग पढ़िए, देखिए, स्पीकिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस .com RRB ऑफिशियल अंगराज मोहन सेड, इंडियन एक्सप्रेस .com से बातचीत करते हुए ऑफिशियल अंगराज मोहन ने बोला, मेनी कैंडिडेट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया कुड नॉट अपियर फॉर द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT, यानी कि ALP का CBT2 एग्जाम बहुत सारे कैंडिडेट नहीं दे पाए हैं ड्यू टू इनक्लीमेंट वेदर, यहाँ जो कि इनक्लीमेंट वेदर के कारण नहीं दे पाए हैं। द बोर्ड विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर द कैंडिडेट्स अगेन, द डेट ऑफ विच विल बी रिलीज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑन सैटरडे, यानी कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे ALP CBT2 का एग्जाम नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश, उनका एग्जाम का शेड्यूल आज के डेट में यानी सैटरडे के डेट में ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। वहां से आप लोग चेक कर सकते हो कि कब आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, आपका एग्जाम छूटा था वो एग्जाम कब आपका होने वाला है, तो आप लोग अपने अपने वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा। अब यहाँ पे अंगराज मोहन जी ने यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के रिजल्ट के बारे में क्या कहा, तो जैसे देख सकते हो यहाँ से, डिक्लाइनिंग द अर्लियर रिपोर्ट्स ऑन RRB ग्रुप डी रिजल्ट्स, यानी कि दोस्तों बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे भी थे जो जिनके द्वारा बोला जा रहा था कि 31 जनवरी को आपका जो है ऑफिशियल रिजल्ट जो है रेलवे ग्रुप डी का जारी हो जाएगा सभी वेबसाइट पे और आप लोग चेक कर सकते हो, लेकिन अंगराज मोहन ने यहाँ पे बोला डिक्लाइन कर दिया है अर्लियर रिपोर्ट्स को, पहले के जो भी रिपोर्ट्स थे उनको डिक्लाइन कर दिया है और यहाँ पे एक जो है रिपोर्ट को कन्फर्म कर दिया है अंगराज मोहन जी ने, दैट द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन February 13, 2019, यानी कि आपका रिजल्ट का डेट है जो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि February 13 यानी कि 13 फरवरी के डेट में ही आपकी रिजल्ट रेलवे ग्रुप डी की आने वाली है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिजिकल के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपको यह भी बोला जा रहा है कि फिजिकल का जो डेट है वो फरवरी के अंत तक ही ले लिया जाएगा। तो आप लोग सोच सकते हो इसके बाद आपको कम ही टाइम मिलता है, तो जिनका यहाँ पे फिजिकल में थोड़ा कमी बच गया है वो लोग अच्छे से अभी दुगना आप जो प्रैक्टिस है आप लोग दुगना कर दीजिए, और फिजिकल में पास करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, जो फिजिकल में फेल कर जाएंगे
चाहे कितना भी नंबर ले आओ, 90 नंबर भी ले आओ, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा रेलवे ग्रुप डी में। तो इसीलिए फिजिकल का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से जारी रखिए आप लोग। और आपका रिजल्ट का डेट है जो कंफर्म हो चुका है, अब 13 फरवरी को ही आपका रिजल्ट फाइनली आने वाली है। अब जो भी क्वेरी है आपके मन में दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।